माय न्यू व्लॉग एंड आज अभी आप मुझे देख रहे हैं, अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं अभी ही उठी हूँ बिस्तर से, जस्ट हम उठे ही हैं अभी। और आज आपको सभी को पता है, जैसे कि सभी को पता है शिवरात्रि है और आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ पार्वती जी आपको ढेर सारा आशीर्वाद दे अपना। एंड गाइज आपको पता है मोस्टली ऐसा होता है कि शिवरात्रि के लिए लोग अपने घरों में होते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। सो गाइज आज हम घर पे तो है नहीं, अभी हम रोडू में ही हैं एंड अभी थोड़ी देर में हमको भी जाना है घर। सो बने रहे हमारे साथ क्योंकि आज का ब्लॉग मजेदार होने वाला है, बहुत सारी चीजें हम आपको दिखाने वाले हैं। अभी हम थोड़ा सा हो जाते हैं फ्रेश ना, फिर हम आपको दिखाएंगे हम कब जैसे जाएंगे और कैसे जाएंगे। सो बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। सो गाइस फाइनली हम घर के लिए तैयार हो रहे हैं। यहाँ मेरी सिस्टर है जो कि अभी नहा धो के तैयार होगी और ये अपने हेयर को ड्राई कर रही है और अब हम होते हैं घर के लिए तैयार। सो गाइस फाइनली आपने देखा सिस्टर नहा धो के तैयार हो गई है, वो ड्राई कर रही है अपने हेयर को और मैं कभी भी ब्रश जल्दी जल्दी से हम तैयार हो जाते हैं और हम दिखाते हैं आपको आगे की चीजें, हम क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, फिर जाएंगे हम घर और आपको वो चीजें भी दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स फाइनली मैं भी नहा के आ गई हूँ और अभी नहा के आई हूँ एंड अब होते हैं हम तैयार एंड फिर हम चलेंगे घर की ओर, आपको दिखाएंगे हम कैसे कैसे जा रहे हैं, क्या क्या चीजें हम कर रहे हैं। वैसे भी गाइस याद रखना आज महाशिवरात्रि है और सभी के गांव में अपने अपनी तरह से शिवरात्रि को मनाया जाता है। आपको हम वो चीजें भी दिखाएंगे कि हमारी फैमिली में हम लोग कैसे मनाते हैं, तो पूरी वीडियो को देखे स्किप ना करें एक भी चीज, आपको मजा आने वाला है आज के ब्लॉग में, चलते हैं। सो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग तैयार हो चुके हैं, हमने लेना कुछ भी नहीं है घर को बिकॉज हम कल ही वापसी आना है हमको, हम कल सब कल सुबह वापसी आना है। और यहाँ देखो आंचल ये भी तैयार हो गई है, सबसे ज्यादा टाइम लगाती है तैयार होने में, सुबह से तैयार हो रही है, पता नहीं कितना तैयार होगी, बट हम फाइनली हम चल पड़े हैं। अब जाते हैं घर की ओर और दिखाते हैं आप हम क्या क्या करेंगे। हो गई लॉक और सो फ्रेंड्स मजा आने वाला है क्योंकि मैं तो रूम के बाहर आ ही गई हूँ, मेरे को पहनने हैं सूज और सिस्टर भी लगी हुई है सूज पहनने। हाँ चल छाता तुम रखना पड़ेगा करके, हाँ ला ले। सो फ्रेंड्स फाइनली मैं रूम के बाहर आ गई हूँ, अब दिखाती हूँ आपको हम घर जा रहे हैं, लॉक लुक कर लेते हैं। फाइनली मेरी बहन भी आ गई है, ये हम छाता लेके रखते हैं, कैरी करके रखते हैं अपने साथ क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है कि बारिश हो जाए, मौसम खराब हो जाए। और ये लगा रही है सूट एंड देन हम अब चलते हैं घर की ओर। आज तो सारे पड़ोसी भी देख सकते हो आप, यहाँ लॉक लग गए हैं, सभी अपने घर चला गया है शिवरात्रि मनाने और महाशिवरात्रि का फेस्टिवल तो ऑलमोस्ट सभी मनाते हैं। ये आप देख सकते हो, आंचल के लग रहे हैं सूच, ये लगा रही है आंचल लॉक एंड देन हम चलेंगे अब घर की ओर। सो गाइस पर्दे चाबी, चलते हैं घर की ओर और आपको जाते जाते दिखाएंगे हम क्या क्या करने वाले हैं। अब हम निकल चुके हैं, मौसम भी साफ है आज, तो अभी हम निकल तो गए थे घर की ओर बट आंचल को मैंने वापस भेज दिया है बिकॉज हम कूड़ा भूल गए थे, यहाँ कूड़े वाले आते हैं कूड़ा लेने तो यहाँ रखना होता है नीचे ताकि वो खुद आके ले जाएं, क्योंकि कल हम सुबह सुबह नहीं मिल सकते, हम घर से आएंगे तो देखते हैं। अभी आंचल ये आ गया आंचल कूड़ा लेके और वहां रखेंगे हम कूड़ा, रख दे वहां पे, यहाँ रखेंगे ताकि जो कूड़े वाली है कूड़ा लेने आते हैं वो सुबह या अभी थोड़ी देर में आएंगे तो वो ले जाएंगे। अब हमें हो रही है लेट, चलते हैं हम बाजार की ओर। चल भाई आज तो लेट पर फाइनली हम चलते हैं गाइस
सो फ्रेंड्स, हम चल पड़े हैं, अभी हम स्टेडियम से आगे निकले हैं और आज वैसे घर जाने की बहुत ज्यादा खुशी है मुझे, क्योंकि अभी हम घर में जाके सबसे पहले अपनी राधिका से मिलेंगे। उसका हमें बहुत ज्यादा बुरा लग गया है और घर पे आज बहुत तरह तरह के पकवान भी बने होते हैं और बहुत सारी चीजें हम करते हैं, आपको दिखाएंगे, बने रहें। अभी हम जा रहे हैं आगे की ओर। सो फ्रेंड्स, बस स्टैंड तो हम पहुंच गए थे और बस भी हमारे को मिल गई थी और हम बैठ भी गए थे बिकॉज बहुत सारी सवारियां इसमें बैठी थी। और हमारे साथ कलोल क्या हो गया, ये होती है कलोल, अब हमारी अपनी लैंग्वेज में कलोल ये हो गया कि ये बस खुली थी और सवारियां खुद से ही बैठ गई, बट ये बस नहीं जा रही है क्योंकि इसके जो ड्राइवर कंडक्टर है वो तो अपने घर पे है और बस तो खुली थी तो ऑटोमेटिकली लोग बैठ गए और लोगों ने सोचा कि ये जा रही है, बट ये नहीं जा रही है। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम दोनों क्या करें, काय में जाएं। अब देखते हैं क्या होता है, फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं क्या नहीं। फ्रेंड्स, आशु बस से उतरने के बाद, क्योंकि वो बस किसी कारण से नहीं जा रही है, हम इतना वेट कर रहे थे, हम थक गए हैं। अभी फाइनली हम कड़ीवन बस में जाएंगे घर। और यहाँ आंचल है, आंचल कर रही है टिकटें, मैं आपको दिखाती हूँ आंचल कहाँ टिकटें कर रही है। ये देखो, आप देख सकते हो पिंक कोट में आंचल है, आंचल कर रही है टिकटें। अब हम यहाँ बोर हो चुके हैं, कब से वेट कर रहे हैं, बहुत पहले से, बहुत टाइम से। सो फाइनली जाएंगे हम, अभी हो रही है टिकटें। सुबह से लेकर 12 बजे से लेकर अभी तक फाइनली हमारी जो फाइनली हम बस में बैठे हैं, अभी हमें बस मिली है, तो थोड़ी देर में हम चलने वाले हैं और फिर दिखाते हैं हम आपको आगे की चीज़ें। यहाँ यहाँ चल, अब हम बस में बैठ गए, हमें थोड़ी अच्छा फील हो रहा है कि हम बस में बैठ चुके हैं, फाइनली हम घर जा रहे हैं। सो दिखाते हैं आगे का व्यू आपको। फाइनली फ्रेंड्स, इतना वेट करने के बाद हम निकल चुके हैं घर को। फाइनली हम बस स्टैंड से निकल चुके हैं, अब देखते हैं हम कब तक घर पहुंचते हैं और आपको दिखाते हैं आगे। बच्चालपुर, यहाँ एक जगह है हमारी जहाँ से हम जाते हैं और यहाँ से कम गाइज तीन किलोमीटर हमारे को पैदल जाना और ऐसी चढ़ाई जानी है। मैं आपको भी दिखाती हूँ कितनी चढ़ाई में हमने जाना है और बुरे हाल निकलने वाले हैं बिकॉज फास्ट है हम दोनों का। सो आज तो मजा आने वाला है, तो दिखाते हैं हम आपको कहाँ जाना है हमने। गाइज ये देखो, जहाँ आपको ये घर दिख रहा है यहाँ ऊपर, ये तो हमने चढ़ाई चढ़नी है ऊपर और इससे भी हमने पीछे जाना है बहुत ज्यादा। अभी हमारे को चलने के लिए बहुत ज्यादा है, हाँ यहाँ से तो ये नजदीक ही लग रहा है बट ये बहुत ज्यादा चढ़ाई है दोस्तों। अब देखते हैं हम, अगर हमें कोई लिफ्ट मिलेगी लिफ्ट का वेट करेंगे, अदरवाइज तो पैदल ही चलना पड़ेगा, क्या करें। फिर चलते हैं और फिर जल्दी जल्दी से पहुंचते हैं घर। सो फ्रेंड्स, फाइनली थोड़ी सी चढ़ाई हमने काट दी है और अब हम चल रहे हैं पैदल सड़कों सड़क। आज चलने में इतना ऐसा नहीं है कि हम चलते नहीं है, बट ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि जैसे फास्ट है, ऊपर से खाया पिया भी कुछ नहीं और पानी भी नहीं पीते हम, तो इस वजह से ये ऐसा हो रहा है। सो चलो दिखाते हैं आपको हम कैसे कैसे जा रहे हैं। आंचल भी है मेरे साथ, अब मजे करते जाते हैं, क्या करें फिर। अब देखो आंचल, इसने बेचारी ने मेरा बैग उठा दिया, कहती दीदी आप थक गए होंगे, तो ये बहुत अच्छी है, मेरी वैसे बहुत मदद करती है। इधर आप देख सकते हो कितना अच्छा ब्यूटीफुल सा व्यू है, यहाँ भी आप देख सकते हो, इधर। अभी हमको जाना है वहाँ ऊपर उस घर के पास, तो चलते हैं गाइस। सो
फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने गांव जहां से हमारे गांव के लिए जाते हैं। बड़ी मुश्किल से आए, कहीं पैदल चल के कहीं लिफ्ट मिल गई थी। सो अपना ही इलाका है तो अपने कई बार लेट मिल जाते हैं, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। सो अभी हम फाइनली अब चल पड़े हैं हम अपने गांव के लिए। इधर इस साइड को दिख नहीं रहा इसलिए ऐसे खड़ी हूँ अभी मैं यहाँ। अब हम जाएंगे उधर, आपको मैं दिखा दूँ इधर। अब मेरे गांव के लिए हम पहुंच गए हैं। सो देखते हैं, घर पे जाके मिलते हैं आपसे। और देख आज गाइस बने रहें, पूरी वीडियो को जरूर देखें क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे कि गांव में कैसे शिवरात्रि का फेस्टिवल को बनाया जाता है, किस तरह से हम लोग तैयारियां करते हैं, वो चीजें हम आपको दिखाएंगे। चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ, पूरी वीडियो को देखिए। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर और आज इतनी हालत खराब हो गई है, मैं बोलने लायक भी नहीं हूँ, मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। तो अब करते हैं हम चेंज वेंज करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको चीजें कि गांव में कैसे किस तरह से शिवरात्रि के लिए ट्रेडिशन किस तरह से हम बनाते हैं। यहाँ मम्मी हेलो करो। हाँ ये मम्मी दादा बोलते नहीं है क्योंकि मैं अभी हम बैठे हैं गाइज अपने किचन में। तो अब हम आज अभी राधिका को तो 3 मंथ हुए नहीं है, सो आफ्टर 3 मंथ बाद ही हम आपको राधिका से मिला पाएंगे, अभी तो नहीं मिलाएंगे। एंड फिर भी बट हम आपको दिखाएंगे आज शिवरात्रि हमारे घर पे कैसी बनती है, मोस्टली गांव में कैसी बनती है, विलेजर जो लोग होते हैं वो कैसे शिवरात्रि मनाते हैं। सो आपको दिखाएंगे हम आगे कि क्या क्या है, कैसा कैसा है। सो गाइज आज बने रहे हमारे साथ, बहुत सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स देखो ये हमारे इस तरह से कुछ तैयार करते हैं और ये होते हैं हमारे शिव जी। हमारे तो अपनी भाषा में क्या बोलते पापा इसको, हाँ हाँ महादेव भमरेली का बना होता है ये, काय का होता है पापा? बेलपत्र का होता है। हाँ बेलपत्र के बनाते हैं इस तरह से कुछ। और यहाँ देखो पापा ने मंडप कर दिया है तैयार, मंडप भी होता है ना पापा? हाँ ये पापा ने मंडप कर दिया है, मंडल सॉरी गाइस मंडल। और ये कर दिया है पापा ने कुछ इस तरह से तैयार। और ऐसे ही मतलब गांव में अपना अपना सबका ट्रेडिशन होता है, कोई किस तरह करता है कोई किस तरह करता है। और हमारे गांव में एक जैसा ही होता है, सभी ऐसा कुछ करते हैं। और बाकी हम शाम को दिखाएंगे गाइज, हमारे साथ बने रहे। आज तो वैसे भी बहुत सारी चीजें बनी है, आप देख सकते हो यहाँ ये बड़े बने हैं, शकलियाँ बनी है। और यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको, ये इधर बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ बनाई हुई है घर वालों ने, ये आप देख सकते हो। सो बने रहिए हमारे साथ, मजा आने वाला है बहुत दोस्तों आप सभी को। सो गाइस ये इस तरह से यहाँ पे हो रही है पूजा कर रहे हैं, आंटी कर रही है पूजा। और यहाँ इस तरह से लगे हैं आरती उड़ती। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पीछे इस तरह से हो रही थी पूजा वगैरह, पूजा एंड ऑल, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही करते हैं पूजा यहाँ पे गांव में ऐसे ही होता है। अभी आज अभी सारे पूजा कर रहे हैं एंड अब करेंगे सुबह के टाइम, तो वो चीजें आपको दिखाएंगे। अभी फिलहाल अभी बना रहे हैं, फिर उसके बाद रखेंगे, फिर जाके हम क्या खाएंगे मतलब तोड़ेंगे अपना व्रत। फिर हाँ जब तक गौ माता को नहीं दिया तब तक माई का व्रत ना पड़ता है ना इसके व्रत देता। सो ये देखो यहाँ भैया अभी बैठे हैं, जब तक सो फ्रेंड्स अपनी तो हमने पूजा कर ली है, अब जाते हैं ताऊ जी के घर, वहाँ मेरे छोटे ताऊ है उनके घर पे भी देख दिखाते हैं आपको कैसी कैसी चीजें क्या क्या है। सो ताऊ जी के घर जाते हैं, अभी दिखाते हैं आपको बहुत सारी चीजें।